हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइंग सिविक। आज एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का मौका मुझे मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो काफ़ी शानदार पोर्टफोलियो बनाया है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर ये इस पोर्टफोलियो को नेक्स्ट 10 ईयर्स तक होल्ड करते हैं तो ये डेफिनेटली निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड जितने भी PMS मार्केट के अंदर है उनको भी बीट कर पाने में कैपेबल रहेंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर क्योंकि इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो काफ़ी शानदार है। बस बात इतनी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलना काफ़ी ईजी एंड फैंसी लगता है दीज डेज, लेकिन जब गिरावट के माहौल में भी लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना, जैसे कि हमने कोई रूल बनाया है कि हम हर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब मार्केट पिछले 2 सालों से कहीं मूव करता ही नहीं है, अगर निफ्टी को देखा जाए तो सेम लेवल पे दिखता है, एंड जबकि जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक है वो और ज़्यादा फॉल होते हैं, तो ऐसे में जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को छोड़ देते हैं, अपनी SIPs को स्टॉप कर देते हैं। तो इस टाइप का स्टेप आप नहीं उठाएं, क्योंकि अगर आप सच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जो मार्केट का डाउनसाइड है वो एक काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है, वो आपको अच्छे स्टॉक भी काफ़ी शानदार PE पे दिलवा सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए तो फाइन ऑर्गेनिक्स जैसा स्टॉक जो है वो 87 के PE पे मिला करता था, वो करंटली 22 के PE पे अवेलेबल है। इन्फोसिस जैसा स्टॉक जो कि अराउंड 39 के PE पे अवेलेबल था जब ये 1929 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, करंटली ये ओनली 24 के PE पे अवेलेबल है। तो ऐसे में आप अपने इन्वेस्टमेंट को या तो बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाते नहीं हैं तो अपनी SIPs को स्टॉप नहीं करें एंड जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की 2 बातें ध्यान में रखने वाली है, क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करें, लॉन्ग टर्म के लिए उनके ऊपर बैठे रहें जिससे वो आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकें। अब जो ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का पोर्टफोलियो है ये मुझे काफ़ी शानदार लगा, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, नए स्टॉक भी आपको दिखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो flying.civic7@gmail.com पे अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं। ये अरमान नाम के स्टूडेंट का पोर्टफोलियो है जो कि BCom फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। इन्होंने साथ में बोला है कि अगर कोई ऐड या रिमूव करना है तो वो जरूर बताएं। इसके साथ साथ ये 5,000 रुपये की SIP म्यूचुअल फंड में करते हैं एंड 5,000 रुपये की SIP इसी सेम पोर्टफोलियो को डेडिकेट करना चाहते हैं। इसके अलावा 25,000 का कैश भी इनके पास अवेलेबल है, अगर अपॉर्चुनिटी आती है डाउनसाइड के लेवल पे तो वो और फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 10 साल का इनका व्यू है, तो देखते हैं कितनी वेल्थ ये जनरेट कर सकते हैं। इस दिए गए डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ये चलते हैं, सेम पोर्टफोलियो को अगर होल्ड करते हैं तो किस तरीके के रिटर्न इनके फ्यूचर में बन सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो इन्होंने स्टॉक सिलेक्शन है वो काफ़ी शानदार है, तो डेफिनेटली आपको भी इन स्टॉक्स की लिस्ट बनाना चाहिए एंड उनको फिर अपने आपके कुछ पॉइंटर्स हैं इन्वेस्टमेंट के उनके ऊपर अगर वो स्टॉक्स खरे उतरते हैं तो उनको ज़रूर बाय करना चाहिए। सबसे पहले अगर पोर्टफोलियो के लेवल की बात करी जाए तो 1,30,000 रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, करंट जो वैल्यू है 1,13,000 के आसपास ही है। यहाँ पे मुझे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक लगती है क्योंकि जो एस्ट्रल के बोनस शेयर है वो ऐड नहीं हुए हैं एंड जो बोनस के बाद जो एडजस्टेड प्राइस है वो अभी तक जीरोधा में 19 मार्च को इन्होंने मुझे पोर्टफोलियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट, तो तब तक वो चीज़ें अपडेट नहीं हुई थी, तो हो सकता है उस वजह से आपको ये लॉस ज़्यादा दिख रहा हो। ऑल्दो ये इनका जो पोर्टफोलियो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में ही करंटली लगता है, या जो थोड़ा सा लॉस दिखता है 7 से 8 हज़ार रुपये का मे बी लॉस करंटली होगा इस स्टॉक में। यहां पे आप देखेंगे 6 क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है FL इंडिया के स्टॉक के, 6,600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, करंटली 13% का लॉस दिखता है। डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में काम करने वाली काफ़ी शानदार कंपनी है ये। इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 5 गुना से भी ज़्यादा किया है एंड फ्यूचर में भी ये स्टॉक काफ़ी शानदार कर सकता है। 2 रिस्क है इस स्टॉक के अंदर, वो बताना चाहूँगा। पहली है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड डिजिटल फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि हाई कंपटीशन का भी इसको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके ध्यान में हैं तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, नहीं तो इन दोनों पॉइंट पे फर्दर आप अपनी रिसर्च करके इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो 3 स्टॉक एशियन पेंट स्टॉक के हैं, 3,000 रुपये की बाइंग प्राइस है, करंटली 2862 का भाव है, 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है एंड 431 रुपये का करंटली लॉस दिखता है। नो डाउट इस स्टॉक में बने रह सकते हैं एंड अपना जो SIP अमाउंट है उसको भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में
लगातार डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सके। एस्ट्रल की बात करी हमने, 1990 का करंटली एवरेज दिखता है, 4 स्टॉक है इनके पास, मे बी एक स्टॉक और जोड़ना है एंड उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस भी एडजस्ट होनी है, तो एक्चुअल में ये 32% का लॉस नहीं है, मेरे हिसाब से ये कम हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो बजाज फाइनेंस है, 3 स्टॉक है, अराउंड 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, करंटली 11% का लॉस है, एज 6500 की बाइंग प्राइस है, करंटली 5700 के आसपास बजाज फाइनेंस का स्टॉक अवेलेबल है, तो इस स्टॉक में भी बने रह सकते हैं एंड ये भी एक लॉन्ग टर्म प्ले है एंड साथ ही साथ काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करने वाली कंपनी है, जो कि अराउंड 17.5% का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी रखती है एंड करंटली ये अराउंड 30 की रेंज के PE में अवेलेबल है, जबकि जब ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था तब 106 के PE पे अवेलेबल था। तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, जो इस स्क्रीन पर 4 स्टॉक दिख रहे हैं, चारों ही स्टॉक की क्वालिटी काफ़ी शानदार लगती है। नेक्स्ट जो 3 स्टॉक है वो है इन्फोसिस है, पॉलीकैब है एंड टाटा एलेक्सी है। क्वालिटी वाइज तीनों ही स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है एंड करंटली जो स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुए हैं एंड अगर इनके बाइंग की बात करें तो इन्फोसिस की बाइंग मुझे ठीक लगती है, 4 स्टॉक है इनके पास, 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। देन पॉलीकैब जो कि वायरिंग एंड FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनी है, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, इसकी भी बाइंग प्राइस मुझे ठीक लगती है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी, 6,900 की बाइंग प्राइस है, थोड़े से हायर लेवल पे बाइंग प्राइस है, करंटली जो इसकी बाइंग प्राइस मार्केट प्राइस है वो बाइंग करने के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। अराउंड इस स्टॉक ने 10,750 के आसपास का हाई लगाया था, उसके पास करंटली ये अराउंड 40-50% के डिस्काउंट पे करंटली अवेलेबल है। टाटा ग्रुप की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है, काफ़ी शानदार कंपनी है। तो इस स्क्रीन पर दिखने वाले तीनों स्टॉक भी काफ़ी शानदार है एंड तीनों यानी कि पॉलीकैब एक डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड है, इन्फोसिस यानी कि एक कोर IT कंपनी है एंड टाटा एलेक्सी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, तो तीनों ही स्टॉक अलग अलग सेगमेंट के भी हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो टाइटन कंपनी है, 2 स्टॉक है इनके पास, अराउंड 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, बाइंग प्राइस भी ठीक लगती है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, 4 स्टॉक है इनके पास, 4500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इस स्टॉक में भी आने वाले टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं, काफ़ी शानदार स्टॉक है, बाइंग प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, करंटली भी 15% का प्रॉफिट इनको नजर आता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो वो है दीपक नाइट्राइट, 2190 की बाइंग प्राइस है, ये स्टॉक वहां से काफ़ी करेक्ट हुआ है क्योंकि करंटली इनके क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे नहीं गए हैं, साथ ही साथ उनके प्लांट में भी एक फायर का इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब हुए हैं, इसकी वजह से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी की सिचुएशन देखी जाए तो ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है, 4 स्टॉक है इनके पास, 8,700 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, करंटली 17% का लॉस दिखता है, पेशेंस से अगर इस स्टॉक को भी होल्ड किया जाए तो ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकता है। जब आपका 10 साल का हो तो ये छोटो मोटो मूवमेंट से आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए, बस आपको स्टॉक की क्वालिटी को देखना चाहिए, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को देखना चाहिए, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो वो है डिवीज लेबोरेटरी, 3 स्टॉक्स है इनके पास, 11,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, 3600 की बाइंग प्राइस है, अराउंड 3700 की एंड करंटली 2700 पे स्टॉक अवेलेबल है, अराउंड 25% मनी लॉस हुई है, इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, लार्जेस्ट API मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अगर इंडिया की बात करें तो एंड डिफरेंट कंट्रीज में भी इनकी API एंड फॉर्मुलेशन जाते हैं, तो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। करंट जो मार्केट सिचुएशन है उतनी फेवर में नहीं है, क्योंकि जब ये स्टॉक कोविड के टाइम पे इनके जो कस्टम सिंथेसिस एंड जो APIs है उनकी जो बिक्री है बहुत बड़ी थी, इसकी वजह से जो मार्केट में सेंटिमेंट इनका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ था एंड उसी के अकॉर्डिंग इनको वैल्यू मिलने लगी थी, तो वो तरीके की वैल्यू एंड ग्रोथ नहीं हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन एक डिसेंट कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप की ग्रोथ इस स्टॉक से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है डिक्सन भी काफ़ी शानदार स्टॉक है, 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 3 स्टॉक है इनके पास एंड करंटली 7.99% का लॉस दिखता है, नो डाउट इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के लिए बने रहा जा सकता है। अगले स्टॉक की बात करूं तो वो है डीमार्ट, काफ़ी शानदार क्वालिटी बिजनेस है, मैनेजमेंट काफ़ी शानदार है, बिजनेस को जो रन करने का तरीका है वो काफ़ी शानदार है, क्वांटिटी है 3, 11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 15% लॉस दिखता है, किसी भी टाइप का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बने रह सकते हैं एंड फ्यूचर में भी और डिप्लॉय मनी इसमें भी की जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो वो है फाइन ऑर्गेनिक्स, ऑलियोकेमिकल बनाने वाली काफ़ी शानदार केमिकल कंपनी है, ऑल्दो करंटली ये काफ़ी करेक्ट हुई है लेकिन इसकी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी मुझे इंटैक्ट लगती है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो वो है ICICI बैंक, 8 स्टॉक है इनके पास, 7,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इस स्टॉक में भी अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, काफ़ी शानदार प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये,
नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है, चार स्टॉक है इन्फोसिस कंपनी के, 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, करंटली 7% का लॉस दिखता है, नो डाउट इस स्टॉक में भी बने रह सकते हैं। तो अगर इनके टोटल पोर्टफोलियो के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करी जाए तो जिस तरीके से ये 10,000 रुपये के एक SIP करना चाहते हैं उसमें हम 16% CAGR का रिटर्न माने, जिस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस तरीके से मैंने 16% माना है। 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो इनकी जो मनी है वो 12 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट होगा एंड उसकी वैल्यू लगभग 30 लाख बनेगी 10 साल के बाद। साथ ही साथ जो करंटली इनके पास अराउंड 1.25 लाख रुपये इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, साथ ही साथ जो 25,000 रुपये इनके पास कैश है वो भी इस पोर्टफोलियो में ये डिप्लॉय करते हैं, तो 1.5 लाख रुपये का जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 16% रेट की दर से अगर ग्रो करता है 10 सालों तक तो इनकी वैल्यू बनती है 6.62 लाख, तो अराउंड 37 लाख की वैल्यू बनती है अगर ये 10 साल तक इसी सेम पोर्टफोलियो के अंदर पेशेंटली होल्ड करते रहें एंड अपने जो 10,000 की SIP है उसको कंटिन्यू करें। तो ये था कंप्लीट पोर्टफोलियो एक स्टूडेंट का जो कि मुझे काफ़ी शानदार लगा। आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे इन स्टूडेंट का जो मोरल है वो और अप हो सके एंड ये अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इसी तरीके से कंटिन्यू कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।